एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जिहि शत्रुं महाबाहो कामरूपे दुराशदम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज गुरुवार। और आज के कार्यक्रम में योगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज राज राजेश्वर राजयोग के बारे में जानेंगे। आज के कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूँ राज राजेश्वर राजयोग के बारे में। आइए कार्यक्रम को अंतिम तक देखने का प्रयास करिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा जो कि बड़ा दिव्य है और ज्ञान रखने वालों के लिए ये बड़ा अनुभवगम्य है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी विलंब के। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। विषय ये कहता है राज राजेश्वर का कि ये कैसे बनता है। जन्म कुंडली के केंद्र में, केंद्र किसे कहते हैं, यहां ये घर, ये घर और ये घर, ये केंद्र कहे जाते हैं। और इस केंद्र में ही कोई एक ग्रह उच्च का हो रहा हो, जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि में, यानी कि चंद्रमा जहां बैठे हो केंद्र में वो दो नंबर की राशि बनती हो, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं यानी कि 10 नंबर में, बुध कन्या राशि में यानी कि 6 अंक जहां लिखा हो और बुध वहीं बैठे हो तो वो उच्च के कहे जाएंगे। गुरु अगर 4 नंबर की राशि में केंद्र में बैठे हों तो उसे उच्च की स्थिति प्राप्त होती है। शुक्र मीन राशि का निर्माण अगर जन्म कुंडली के केंद्र में हो रहा हो तो उसे उच्च का कहा जाता है। और शनि तुला राशि यानी कि 7 नंबर में अगर कहीं भी केंद्र में बैठे हों तो उसे उच्च का कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी एक ग्रह जन्म कुंडली में आपके केंद्र में उच्च का हो रहा हो। जैसे अगर इसको मैं उदाहरण से समझाऊं तो ये जन्म कुंडली में अगर लग्न में बन जाए ये योग तो बहुत अच्छी बात है, पर आप इसे कहीं पे भी अगर बना हुआ देख रहे हो तो उसका फल बन ही जाता है और फल मिल जाता है। कैसे बनता है, एक नंबर की राशि मान लीजिए यहां बन गई, एक नंबर में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, एक नंबर में सूर्य उच्च के होते हैं। तो मान लीजिए सूर्य यहीं बैठ गए, तो सूर्य उच्च के हुए। अब ये पहली शर्त तो पूरी हो गई राज राजेश्वर राजयोग बनने की कि एक ग्रह उच्च का हो गया। अब इसकी दूसरी शर्त जो है वो ये है कि इस सूर्य के कोई एक जो मित्र ग्रह हैं वो यही साथ में बैठे हों। तो सूर्य के मित्र कौन होते हैं, आप यहां पे अगर चाहें तो ग्रह मैत्री वाला कार्यक्रम हमारा देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। तो सूर्य के मित्र होते हैं गुरु और मंगल, तो यहीं पे मैं गुरु को भी बिठा देता हूं, गुरु भी साथ में बैठ गए। पर अब जरा याद रखिएगा यहां पे ये गुरु जो हैं वो सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, अगर ये अस्त हो जाएंगे तो ये योग कमजोर पड़ जाएगा और फिर वो प्रभाव कम देगा। ये दूसरी शर्त थी जो पूरी हो गई। अब तीसरी शर्त क्या है अब उसको बता देता हूं। तो जन्म कुंडली में पहले उच्च की राशि का निर्माण, वहां पे उच्च ग्रह बैठा, उसका एक मित्र गुरु भी बैठ गए और उसके बाद कोई एक अन्य मित्र जैसे मंगल, एक अन्य कोई और मित्र इस ग्रह का जो उच्च का हो रहा हो उसको देख रहा हो, मान लीजिए मंगल यहीं बैठ गए, तो ये ग्रह की सातवीं दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी, ये बन जाता है राज राजेश्वर राजयोग। बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। मतलब अगर आप इसको लग्न में बना के देखना चाहते हैं तो लग्न में मान लीजिए 4 नंबर की कुंडली बनी कर्क लग्न की, लग्न में ही गुरु बैठ गए, उसके साथ उनके मित्र मंगल बैठ गए, पर वो मंगल के नीचत्व को भंग करते हों गुरु अच्छे तरीके से, मतलब डिग्री में उनकी स्थिति एकदम निकटता वाली हो जहां उनके अंश को बहुत अच्छे तरीके से घटित होते देखा जाता है कि मंगल का नीचत्व भंग हो रहा हो, और उसके बाद सूर्य सातवें भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हों। ये किसी भी प्रकार के ग्रहों से बन सकता है, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि शनि मंगल राहु केतु ना हो या फिर कोई शुभ ग्रह ही बनाते हो, ना, इसमें किसी भी प्रकार के, जैसे मैंने सूर्य की बात करी ये क्रूर ग्रह थे, मंगल की बात करी वो पापक ग्रह थे, और गुरु की बात करूंगा तो वो शुभ ग्रह है। तो दरअसल ऐसे ये ग्रह राजयोग जो कि राज राजेश्वर राजयोग कहा जाता है वो बन जाता है।
प्रत्येक कुंडली में कुछ ना कुछ राजयोग बनते हैं और उसके जांचने की स्थिति जरूर कर लेनी चाहिए कि वो कितना फलीभूत हो रहा है। अब यहीं पे अगर ये और कब मजबूत हो जाएगा, इसको मजबूत कैसे समझना है कि ये ग्रह बहुत ज्यादा ये प्रभाव करने वाला है ये योग, तो उसके लिए आपको अब और क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है, अश्वनी, भरणी, कृतिका, ये तीनों में से किसी भी राशि में बैठा हो तो उसके लिए, या जो भी ग्रह, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में जहां भी ये ग्रह बैठे हों उस राशि में जो नक्षत्र आते हों उस नक्षत्र के अधिपति कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, साथ ही साथ ये ग्रह नवांश में कमजोर ना होता हो, अपने ही नवांश में बैठा हो, या उच्च के राशि में, जैसे यहां उच्च का बैठा है वहां भी वो उच्च का हो रहा हो, या फिर वो ग्रह नवांश में किसी अच्छे भाव का अधिपति बनता हो और उस पर किसी भी बुरे ग्रह का कोई प्रभाव न पड़ता हो, तो ये ग्रह राजराजेश्वर राजयोग का जो निर्माता और कारक ग्रह बनेगा वो और ज्यादा फल मजबूत देने वाला हो जाता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे काम। और गीता के तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान ने यही बात कही है कि इस काम पर विजय प्राप्त कर लेने पर, और काम पर विजय प्राप्त करने का ही प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये काम का आवेग जैसे ही आरंभ होता है समस्त प्रकार के दुर्गुणों का वो परिमार्जन कर देता है और आरंभ कर देता है। इस वजह से इस काम को त्याग करने की अवस्था ही श्रेष्ठ कही जाती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे जन्म कुंडली के अध्ययन के साथ, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।